आपने कभी सुना होगा BHC साइकिल, नाम सुने? BSC नहीं, वो कंपनी का नाम है, बोर्नहेवर साइकिल। उसमें सब टर्म आता है, लैटिस एनर्जी क्या है, सब्लिमेशन क्या है, इंसन एनर्जी क्या है, टर्न अफेरिटी क्या है, नहीं समझ रहे आप? चलो लैटिस एनर्जी में कुछ बताएंगे आप लोग? देखिए इसमें सीधे सीधे ऐसे बात करिए, अगर बनारस का एग्जाम्पल ले लीजिए सीधे सीधे, ठीक है, एक मान लीजिए कहीं प्लस है बनारस में और कहीं माइनस, तो जब देखिए नहीं देखें प्लस, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल प्लस में सांड को मान लीजिए, ठीक, क्योंकि बनारस हर गली में आपको मिलेंगे, बोलो भाई। तो अगर कहीं प्लस है भाई तो कहीं ये नहीं पता, और कहीं गलती से मसाला भी है। अब इसको भनक लग गया कि सामने क्या है, बात समझ रहे हैं? तो कोशिश है, अगर क्योंकि आप जैसे छोटा एग्जाम्पल समझ लीजिए, दोनों कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट उसको वही रिक्वायरमेंट इसको भी है, तो कोशिश करेंगे ना मिलने का। तो माने बहुत दूर दूर थे, कोई गंगा उस पार, कोई गंगा इस पार, लेकिन पता चल गया कुछ उनका होता ना फ्रीक्वेंसी मैच कर मिलने की कोशिश करेंगे ना, बोलो भाई। अच्छा पास पास मिले तो अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बस डिपेंड ये करता है, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक का नाम दे देंगे गैसियस एटम, मतलब दोनों गैसियस एटम नाम दे देंगे, क्या दे देंगे? कि मान लीजिए गैसियस एटम बहुत दूर है, क्या है? बहुत इतना दूर है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, लगभग से मतलब बहुत दूर, मान लीजिए इनफाइनाइट पे मान लीजिए, जहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक तरफ सोडियम वाई साहब, एक तरफ क्लोरीन वाई साहब है, और मान लीजिए कि गैसियस फॉर्म है फिलहाल, क्या मान लीजिए? लेकिन बहुत दूर है, उनके जो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप बताओ अब धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड कब बनेगा? तो धीरे धीरे पास आएंगे। आप बस दोस्त इतना फील करना, एक मैग्नेट यहाँ रख दीजिए, एक मैग्नेट यहाँ रख दीजिए, और इतना डिस्टेंस बढ़ा दीजिए कि कोई किसी को अट्रैक्ट न करे। मैग्नेट समझ रहे हैं आप ना, जो बचपन में आप वो स्पीकर फाड़ के निकालते थे, नहीं हेडफोन कुछ तोड़ तोड़ के निकाल लेते थे, नहीं भैया? और फिर वो शीशे, वो जो नहीं सेल आता था बैटरी वाला, वो मोटका वाला, उसको तोड़ करके उसमें से लोहा निकालते थे, उसको फिर ऐसे मिलाते थे, तो उसको खींचता था थोड़ा। तो जब मैग्नेट को पास पास आएगा धीरे धीरे, तो थोड़ा धीरे धीरे अट्रैक्शन क्रिएट होगा, बोले भाई। तो जब धीरे धीरे अट्रैक्शन क्रिएट होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जब भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज, और जब रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बोले भाई। उसी को हम क्या बोलते हैं? फिलहाल लैटिस एनर्जी। तो जैसे आपने कहा कि सर एक इधर से है, उधर से है, जब मिलेगा एक कंपाउंड बनेगा ना, बोले भाई, उसी को आप इनिशियल नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? अब जैसे आपने जब पास आके लैटिस एनर्जी, सॉरी एनर्जी रिलीज हो गई, बन गया इनिशियल। अब आपने कहा सर जहां से आता उसको वहां भेज दीजिए, तो क्या हीर रांझा प्यार से अलग होंगे? नहीं। अली ललक नाम सुनो, लैला मजनू, क्या वो प्यार से अलग होंगे? नहीं। आप ही फील करो भाई, तो अब उनको भाई जबरदस्ती करना पड़ेगा ना, बोलो भाई क्या फील कर रहे हैं भाई? वो प्यार से अलग नहीं ना होंगे, और उतना अट्रैक्टिव फोर्स होता है, घर वाले भी कुछ नहीं कर पाते, वो जितना सोचेंगे उसे चार गुना पहले वो सोच के बैठे रहते हैं। बस इतना फील कीजिएगा कि जितने मतलब जिस तरह से मिले होंगे उससे कहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट केमिस्ट्री में क्या है कि बस मामला सिंपल सिंपल है, कि जितना मिलने में रिलीज हुआ है उतना दे दीजिएगा तो दोनों टूट जाएंगे, दोनों क्या होंगे? टूट जाएंगे। आप पीके देखे हैं? उसमें किसी का फोन आता है सऊदीया से, याद आया? वो बोलता है हम गए थे, लेकिन वो बिल्ली थी, वो बिल्ली किसी और घर में पकड़ा दी गई थी, नहीं सर समझ रहे ना मैटर? तो थ्योरी लिखो जल्दी से, तुम इसी में रह जाओ। देखो यार, वेन गैसियस का टाइम लिखवाई लोगों से, वेन सोडियम मिलेगा तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो आपको उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा, तो सॉलिड को टर्न कन्वर्ट करेंगे गैस में, सुनेगा ना सब्लिमेशन, किस सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैस में, बोले भाई। इसी को थर्मोडायनेमिक्स नाम देते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन, कि व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू द व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन।
तो फिलहाल अभी हमने गैसियस का टाइम लिया ना, बोले वाला कुछ व्हेन गैसियस इन गैसियस एनायन एंड गैसियस एनायंस आर ब्राट बी आर ओ जी यू एच. ये ब्राट का क्या मतलब होता है? लाया गया. ब्राट फ्रॉम इनफाइनाइट टू फॉर्म द वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल. एंड ए वो राम लखन मूवी देखे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा रहते हैं? नाम नहीं मुझको पता, मतलब क्या कुछ ऐसे नाम रहता है. छोटे मियाँ साथ बड़े मियाँ दोनों पुलिस रहते हैं. ठीक है, लिखते रहो भाई बताऊंगा. वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड कुछ भी बोल दीजिए दोस्त. ठीक है, आयनिक क्रिस्टल टू फॉर्म द एक मिनट रुक जाओ. आयनिक क्रिस्टल फुल स्टॉप. देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड विच इज कॉल्ड एज इसे क्या बोलते हैं भाई लोगों से? लैटिस एनर्जी. ठीक है भाई, अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मेटल हमने यहाँ पे ले लिया, ये आयन है ना कटायन भाई, और किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में. और ये देखो आपका एक्स निगेटिव किस फॉर्म में है? तो यहाँ जब देखिए, जब मिलेगा तो एम एक्स सॉलिड बन जाएगा. बोलो भाई. और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी. और उसको दिखाते हैं यू से या फिर ऐसे लिख दिया लैटिस एनर्जी. क्या लिखाएंगे? लैटिस एनर्जी. ठीक है भाई, मतलब रिलीज हो रहा है ना, तो साइन क्या लगा देंगे? जैसे आपने एक नाम सुना होगा इक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. इक्सो और एंडो. ठीक, इक्सो ना जैसे ऐसे याद रहे, मेरी बात सुनो. जब कभी आप शोरूम में जाएंगे तो वहां इक्सो लिखा था. एग्जिट का मतलब बाहर जाना, और एंट्री ई एन यानी इंडो वाला आपको लगाना पड़ेगा. एनर्जी देना पड़ेगा तो साइन एनर्जी रिलीज हो रहा ना. नेगेटिव. यहाँ थोड़ा दोस्त उल्टा होता है, मतलब आप जैसे फील करेंगे वैसा नहीं. इक्जो का मतलब बाहर जा रहा है. क्या हो रहा है? एनर्जी बाहर जा रहा है. तो बाहर जा रहा था निगेटिव साइन ये बताएगा सिर्फ ये कि रिलीज हो रहा है. वो क्या बताएगा सिर्फ? मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है. कटायन और एनायन मिल रहा है ना. यस सर. बोले भाई, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी. बोले भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एम एक्स सॉलिड बना, क्या बना भाई? सॉलिड. इसी को अब एनर्जी देना पड़ेगा ना फिर अलग करने के लिए. बोले भाई कुछ यहाँ प्लस यू लिख देंगे या फिर प्लस लैटिस एनर्जी. समझ रहा है भाई? अमरनाथ जी, एम पॉजिटिव गैसियस प्लस एक्स निगेटिव गैसियस बन जाएगा. एक मोल साफ ट्रांस को या तो पास पास लेके कटायन एनायन को, या फिर समझ रहे ऐसे. बोलिए भाई. हाँ, उसमें लिखते नहीं, मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ. तो उसमें देखे होंगे ना कि जैसे मतलब वो हीरो एक और दो हीरो रहते हैं ना, मतलब एक हीरो का यहाँ कैचअप तो दूसरे का वहां कैचअप होता है. देखे नहीं मूवी? देखे नहीं समझ पा रहे? ये फिर से बताओ. जैसे एक हीरो का कैचअप यहाँ रहता है तो दूसरे हीरो का कैचअप, और दोनों आपस में दोस्त होते हैं, तो उसमें बस इतना फील कीजिएगा जब भी कटाना एंड पास पास आएंगे तो अपने आप को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको किनारे कर देंगे. क्या कर देंगे भाई? किनारे. ठीक है ना, घर वाले आएंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन बाद में आएंगे जब रिश्ता कंफर्म हो जाएगा तब. यू आर रेडी? यस रेडी. भैया से बात करें? हाँ ठीक. क्यों भाई गलत करने लगो? तो यहाँ पे बस वही मैटर है भाई कि जब दो प्लस माइनस पास पास रहेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाए. जब उनको अलग कर दीजिए तो जितना रिलीज होगा उतनी आपको एनर्जी देना पड़ेगा. ठीक है ना भाई? बोलिए. अब यहाँ देखो, जैसे कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इसमें कितने क्लोरीन लेंगे? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं? यहाँ एनर्जी रिलीज होगा ना. हम अपने मन से इसको म्यू 1 मान लेते. क्या मानते? और मैंने इसे मॉड में लिखना चाहता हूँ. क्या लिखना चाहता हूँ? मॉड में यहाँ लिख देता माइनस म्यू 2. लेकिन किसमें? ये मॉड लगाने का क्या मतलब है? फिलहाल मैग्नीट्यूड को देखिए. यहाँ क्या बन जाएगा भाई? CaCl2 सॉलिड लिख लो, बाद में जी लिख लेंगे, टाइम मिलेगा तब. कोई दिक्कत आपको? अगर से अल्लाह कुछ एल्यूमिनियम ले लीजिए. एल्यूमिनियम प्लस 3 आएगा कि नहीं?
और 3Cl नेगेटिव, यहाँ क्या लिख ले? LCl3 μ3 क्या बन जाएगा? LCl3 बोलो भाई। ए भाई इधर देखो तुम, मैं कहाँ देख रहा। अब ऐसे फील करो यार, यहाँ एक प्लस और एक माइनस था कि नहीं? तो यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो अब ये गलत करे। यहाँ देखो दो प्लस और दो माइनस, अपने मन से फील करो कहाँ पॉजिटिव इफेक्टिव ज्यादा होगा। जैसे यहाँ जो, जैसे ये पॉजिटिव वन है मान लो, कोई मेटल का नाम नहीं पता, ये चाहता सोडियम प्लस लिख लो, क्या लिख लो आज और लिख सकते हैं कोई दिक्कत। और यहाँ निकले एम जी प्लस या कैल्सियम प्लस, कहाँ पॉजिटिव इफेक्टिव ज्यादा होगा? यहाँ पे चार्ज जितना बढ़ेगा भाई, चार्ज जितना बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। बोलिए भाई, अट्रैक्शन तो ज्यादा बढ़ेगा ना, जब अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो आप एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। तो हम ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पहले तो ये देखते हैं चार्ज, क्या देखते हैं पहले चार्ज। जैसे यहाँ देखो सीधे सीधे यार, एक कटाने के नान है ना, और यहाँ देखो चार्ज दो कटाने, यहाँ देखो तीन कटाने, सीधे ऐसे कर लो यार, एक का एक में मल्टीप्लाई करो, एक दो का दो में मल्टीप्लाई करो, तीन का तीन में मल्टीप्लाई करो, तो सबसे अधिक कहाँ पे चार्ज है? तो सबसे अधिक अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? तो सबसे अधिक एनर्जी लिस्ट कहाँ पे होगा? रिलैक्सेशन का ऑर्डर क्या लिखोगे आप? μ3 μ2 μ1, ये म्यू नहीं बनता, समझ रहे हो क्या है? अरे लाइटिस एनर्जी है भाई, बोलिए इतना लिखे फिर इसको समझाए थोड़ा और इस तरह से। एनर्जी का फॉर्मूला भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू सी इंटू क्यू ए अपॉन एल सी आर सी प्लस आर ए। ये समझ रहे हैं क्या चीज है दोस्त? पहले चार्ज देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? चार्ज। क्या देखेंगे भाई? चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब चार्ज से नहीं निपटेगा तब साइज देखेंगे, क्या देखेंगे? साइज देखेंगे, लेकिन पहले चार्ज देखोगे। अब क्या देखोगे? अब जैसे देखो आप लिखते रहो, सोचते रहो, जैसे रेडियस ऑफ कटायन है ना, अब अगर कटायन की रेडियस बहुत छोटी हो, क्या हो? जैसे लिथियम का नाम सुने, लिथियम का आप लोग उस ग्रुप में सबसे छोटा लिथियम है कि नहीं? यस सर। बताओ आप, जब सबसे छोटा है तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा ना जेड इफेक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है और आउटर में इलेक्ट्रॉन है तो वो साइज इतने बहुत छोटी है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? देखो जब साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव घट जाता है, जो न्यूक्लियस पावर घट जाता है ना डिस्टेंस बढ़ने के हिसाब से। बोलो भाई। तो यहाँ पे हम साइज देखेंगे, क्या देखेंगे? साइज। अगर मान लो कटायन और क्या है एनायन, दोनों में एक बात याद रहेगा कि एक का साइज कांस्टेंट होगा, एक का साइज डिफरेंस होगा, कोई ना कोई किसी का क्या होगा? देखिए ध्यान से, या तो एनायन का साइज सेम हो या फिर किसका सेम हो? कटायन। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो हमने लिख दिया KCl और लिख दिया NaCl, क्या लिख दिया भाई? KCl NaCl। अगर मान लो भाई तुम ये लड़के, क्या नाम आपका दोस्त? रोहित। गुस्सा मत होना यार, ये नाम बहुत अच्छा है। ये K प्लस प्लस Cl माइनस है ना भैया लोग, ये देखो ये सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है कि नहीं? अगर प्लस प्लस देखो तो यहाँ भी 1:1 है कि नहीं यार? यहाँ देखो 1:1 है कि नहीं? अब एनायन का साइज देखो दोनों में क्या है? सेम है कि नहीं? तब किसको देखोगे? थोड़ा काम कटायन छोटा है, ऐसे लिख देंगे, नहीं समझ पा रहे लिखते हैं CaCl2 MgCl2 और नहीं समझे भाई। तो यहाँ भी देखो प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, और 2Cl माइनस, और यहाँ भी Mg प्लस प्लस आएगा कि नहीं यार? प्लस 2Cl माइनस नहीं आएगा, बहुत बेकार लगता है। हाँ बोले बोले नहीं खत्म बात। जैसे लिथियम क्लोराइड है सोडियम, रुक जाएगा, मान लो लिथियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, ठीक है लोगों से? तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या आपका कौन सेम है साइज? एनायन का ना और कटायन साइज डिफरेंस है। अब एक बार इसको पलट लो, जैसे सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड कर लो, कटायन सेम हो गया। अब यहाँ क्या सेम हो गया आपका भाई? कटायन सेम हो गया ना, फिर किससे देखेंगे? एनायन से। और साइज की क्या है? इनोसिटी पर क्वेश्चन। अगर साइज बड़ा होगा एनायन का समझ गए ना, तो आप इसके सवाल बना लोगे, वो थोड़ा टिपिकल करेंगे भी तो पीरियोडिक टेबल याद होगा, तो वहां से आप साइज समझ जाओगे।
नहीं समझ रहे भैया आप, वो करें व्हाट इज साइज, वो जो सोच रहे वो नहीं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं साइज, वो वाला साइज न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस उसको बोलते हैं, जो तुम सोच रहे हो वो ना नहीं, कौन सा आप सोच रहे हो वंडर वाल रेडियस, कुछ नहीं सोच रहे वंडर वाल रेडियस, यहाँ पे वंडर वाल रेडियस नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले आप चार्ज देखोगे दोस्त, क्या देखोगे चार्ज, थोड़ा जल्दी देख, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो यार, इसमें देखो सवाल हम नहीं लिखवा रहे, ठीक है ना, सवाल आप लोग अपने खोज लीजिएगा, ठीक है सन्नी जी, समझ रहे हैं ना, बस चले आगे, नेक्स्ट लिखो यार, साल्वेशन या ऑब्लिक हाइड्रेशन, पहले लिखो सॉल्युबिलिटी, उससे पहले क्या लिखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी समझ रहे हैं, यस सर, पानी भीगा भीगा के मारेंगे, यस सर, सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी, पानी में भीगा भीगा के, बट अभी ये समझ लिखना है यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, कल खाली लिखो सॉल्युबिलिटी, क्या लिखो भाई सॉल्युबिलिटी, यस ठीक है। तो जैसे इसमें यही होता है कि जो जिसको देख करके जैसे जैसे मतलब माहौल बनाते हैं आप लोग, उसी को क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, जो जिस तरह का उसी तरह का माहौल खोजता है, बोलो भाई, अब ना जी ठीक है, आप हाल से कोई दिक्कत, अगर आप फील कीजिएगा, जैसे अगर आप गुलाब खरीदिएगा तो आप अपने तरह का मेजोरिटी खोजिएगा ना इस टाइम, आप जैसे मान लिया अगर आप फेसबुक लिखते होंगे सिंगल, तो आप जो भी खोजेगा कुछ क्या कीजिएगा, सिंगल जिसको देना वो भी क्या रहे फिलहाल, क्यों भाई गलत कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए मतलब यहाँ बस यही कहा गया, लाइक डिजॉल्व लाइक, यस सर, जैसे को जैसा तैसा, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व, जो जैसा वैसे ही खोजता ना, लाइक डिजॉल्व का मतलब डॉक्टर था, सोचेंगे जो मिले डॉक्टर मिल जाए, माशा तो सोचेंगे मास्टर मिल जाए, क्यों भाई, बॉलीवुड सोचेंगे सोचेंगे कोई एक्ट्रेस मिल जाए, आप सोच रहे हमेशा अपना देखते होंगे कभी कभी, तो क्योंकि आपका तो वही क्या, घर वाले नहीं जानते कोई बात सरप्राइज कभी भी आता ना लघुश जी, इस उपाध्याय से देखिए अलग होकर बेचारे बालकनी में खड़े होते थे, लेकिन क्या करें दोनों तरफ था उनके हाथ में गुलाब, लेकिन कभी यूज नहीं कर पाते, बस पछतार गिरा जाते थे, लेकिन नहीं आप उपाध्याय जी को देखे कितने प्यार से बालकनी खड़े होते थे, इधर सिक्योरिटी इधर सिक्योरिटी गार्ड बीच में अपने खड़े होते थे, बेचारे परेशान रहते थे, चलिए कोई बात नहीं, सब जिंदगी का हुआ। हाँ जी, तो सॉल्युबिलिटी समझ रहे ना दोस्त, तो देखो यहाँ पे एक होता है, अगर मान लो कोई पोलर है, क्या यार, तो वो पोलर में डिजॉल्व, ठीक है, अगर कोई नॉन पोलर लगो जी क्या, नॉन पोलर में डिजॉल्व, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व, अब जैसे पानी लेकर के उसमें लेकर के पेट्रोल को डिजॉल्व की तो डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं सही, बोलो भाई नहीं समझ रहे, क्या सरसों के तेल में पानी मिलाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं कबो नहीं, कबो नहीं मिलेगा, क्यों भाई, अब बात बोलना सर हम तो फिगारो यूज करते हैं, ठीक है भाई, हो सकता है इनका गुस्सा आ जाते बोल रहे देखो ये सीएल है कि नहीं यार, इधर देखो इधर देखो तुम, ये अगर ये मान अगर वाटर जिसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये बेंजीन में एक सौ लग जाए तो बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा, कितना समझ लगो से, समझ गया, बोले भाई दूसरा का ले लो बेन, उसको नेफ्थलीन को, किसको, नेफ्थलीन ले लो, यही ले लो बेंजीन ले लो यार, ये बेंजीन अगर मान लो तो सीसीएल फोर में डिजॉल्व हो जाएगा, अगर ये नॉन पोलर, नॉन पोलर है ना, बोलो भाई, तो ये नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं, हाँ बहुत अगर जल्दी करे तो वाटर में जाकर डायमंड बना लेता है, yes, बेंजीन जाके क्या बना लेता है, और ये चीज आप जाके पढ़ेंगे सोल्यूशन में, क्या पढ़ेंगे सोल्यूशन, जब लास्ट में पढ़ेंगे वंडा वंडा वो वांडा फैक्टर, छठा भाई वांडा फैक्टर, तो वहां फिर आपको मिलेगा उसमें जाकर डायमंड बना लेता है, बट याद रखना बेंजीन नहीं होता, बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड याद रखिएगा, क्या ठीक, बेंजीन नहीं बेंजोइक एसिड, ऐसा कुछ लिखना मत अभी, ठीक है, बस ये लाइन समझ गया ना सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है ना ये भी डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी, किस पे, और लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना सॉल्युबल होगा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उतना ही सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बस हमने बस इतना आपसे कहना चाहते हैं, मतलब जैसे कौन किस में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करेगा उसी अट्रैक्शन पे, सही है ना। अब जैसे चीनी पानी में डिजॉल्व होता है, ये मत कहिएगा सर चीनी तो आपका नॉन पोलर C6H12O6 सुक्रोज है ना भाई, वो अलग मैटर है, वो डिजॉल्व होकर आने में डिसोसिएट होता है, बट डिसोसिएट नहीं होता, मतलब उसमें ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो आपका डाइसैकेराइड है ना जो भी है, तो डिसोसिएट हो जाता है। चले आगे थोड़ा सा, हाँ तो अब लिखिएगा साल्वेशन और हाइड्रेशन, साल्वेशन और हाइड्रेशन, ठीक है, इसमें हिंदी में लिखना हाइड्रेशन का मतलब पानी पिला पिला के मारेगा,
हाइड्रेशन का मतलब पानी पिला। देखो पानी का महत्व समझ लो यार, जिंदगी में कुछ भी काम कीजिएगा पानी हमेशा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको वाले पैकरो बनाना है तो कोई भी कोई मेहमान सबसे पहले पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना पानी के पहले लेके बोतल नहीं स्टार्ट हो जाएगा। नहीं देखिए आप, जैसे कोई गेस्ट आपके घर आता होगा तो क्या पहले आप बोतल दे देते होंगे आर्मी वाला? नहीं, पहले बैठाते होंगे आराम से, बैठिए बिस्लरी मंगाते होंगे अगर अच्छा खासा आता हो, तो फिर रोहित कुइयां का पानी तो पीना ही है बाबा से। क्यों भाई, मेढक का छान के बाहर निकाल देंगे, खींचते रहेंगे। लेकिन वो पानी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी आपको स्टेशन पर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जब ट्रेन कहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिक कहीं छोटे स्टेशन रुक जाती है दो चार घंटा गर्मी में, तो बिस्लरी का पानी काम नहीं आता क्योंकि पूरा ट्रेन पानी खोजती है, और उतना वहाँ कोई बेचने वाला तब कहीं अगर वो कुइयां आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ, तब खींचे तक मेढक मिलेगा लेकिन पानी साफ मिलता है। मैटर वहाँ नहीं, मैटर यहाँ पे है सॉल्वेबिलिटी से, सॉरी से कि पानी पिला पिला के मारेंगे किसी को। अब ये डिपेंड करता है कि कौन पानी कितना पिएगा, कौन पानी कितना पिएगा। अब जैसे पानी जो है वो तो हर हालत पीना ही पीना है, अब जो पीने वाला उसके उस पर डिपेंड करेगा, उसके साइज पे, उसके अंदर जो टेंडेंसी है उस पर डिपेंड करेगा, कि वो जितना वाटर को अपने तरफ अगर अट्रैक्ट करेगा उतना पानी खींचेगा। बोले भाई, अब जितना साइज अगर बड़ा होगा तो उतना पानी नहीं खींचेगा। अरे मत बोलेगा सर हाथी से कंपेरिजन करिए चींटी से, तो अलग मैटर है, नहीं समझ रहे? वो साइज में तो हमें लाइएगा थोड़ा सा, इसमें सॉल्वेशन है। When an ionic solid, ये रुको छोड़ो मत लिख हटा जाने, इधर देखते हैं, इधर देखो थोड़ा सा, ये क्या है आपका लोगो जी? NaCl है ना, बट इसको NaCl मत बोला करिए, हीर रांझा बोला करिए, ठीक है दोस्त? क्या बोला करिए? हीर रांझा। क्या लैला मजनू बोल दीजिए, ठीक है? वो कह रहे सर हमारा नाम मिला दिए किसी से, ठीक। मान लीजिए गलती से इनको पानी मिला दिया, किसे मिला दिया? पानी। पानी मतलब जैसे गाँव वाले पकड़ लिए, हम ये पानी लिख दे रहे हैं, मतलब फिर कीजिएगा आप ऐसे, ठीक है ना भाई? तो गांव वाले पहले काम करते हैं, जैसे मान लो सोडियम एक का टाइम जो भी है, और ये मान लो अपने मन से, तो किसी पेड़ में ले जाके बांध देते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे, देखो भाई, अरे हर तरफ देखिए पूरा घेर लेंगे पहले, गांव में कुछ होते हैं बड़े खुरापाती बजरंग दल वाले। यार देखो तुम, देखो देखो इनका, देख नहीं लग रहा कि इन्हीं को ड्यूटी दे दिया गया है संभालने के लिए सब काम? देख लो कुछ ऐसे, वो जहां भी पा के तुरंत सबको अलग कर देंगे दोनों को, देखिए ऐसे पहले थोड़ा समझिए, समझा रहे थोड़ा गुस्सा मत करिएगा। जैसे जब NaCl है ना, जब वाटर में लेके आइएगा, आपने कभी सुना होगा कि NaCl को जो पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, सुने आपने? और सॉलिड स्टेट जब पढ़िएगा तब मान लीजिएगा अगर यहाँ सोडियम है सनी जी, ये क्लोरीन मिलेगा, फिर सोडियम मिलेगा, फिर क्लोरीन मिलेगा, फिर सोडियम मिलेगा, सोडियम तो यहाँ क्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम ऐसे, फिर क्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम ऐसे, क्लोरीन मिलेगा। लघु जी बात मान रहे हैं भाई? मैं टूडी बना रहा हूँ, बोलो भाई। अब देखो क्लोरीन सोडियम से गिरा हुआ है कि नहीं? आज सोडियम से क्लोरीन से गिरा है कि नहीं? अरे नाम सुनोगे ना सॉलिड स्टेट का, बोलो भाई। अब देखो होता क्या कि जैसे NaCl है, और अगर गलती से कौन आ गया भाई आसपास? वाटर, वही गांव वाले बजरंग दल वाले, तो सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं, वो दूर से देख लेंगे अच्छा वहाँ कुछ है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे वो पहुंचेगा कौन इसके आस पास, धीरे धीरे कौन पहुंचेगा भाई? ये बजरंग दल का नाम क्या रखिए? वाटर, क्या रखिए? मान लीजिए ऐसे, तो वाटर में देखो ध्यान से, तो वाटर का पोलर होता है, पोलर समझ रहे हैं? सर वैसे पोलर, जैसे देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ना वाटर का, ये डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, बोलो भाई वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं यार? ये जो पॉजिटिव वाले होता है ना, ये निगेटिव वाले, ये पॉजिटिव लगते हैं, वो खेच रहे इसको, जो काम कुछ और खुला पाल दूसरे तरह के कई तरह के ना होते हैं, तो लगेंगे इसको जैसे एक लगा सोडियम को खींचने, तो दूसरा लगेगा सब मसाला को खींचने वाले की इधर। अब देखें इनका फेंक जाने का तरीका, देखिए खाली जैसे इन्हीं को ड्यूटी दे दिया गया, देखिए अभी लगेंगे इसको छड़े, देख रहे हैं? तब तक छेड़ेंगे जब तक दोनों को क्या कर दे, अलग नहीं पहले अलग कर, अब देखो जब इसको जब जैसे आप वर पक्ष को खींच के अलग कर दिया, इधर वधु पक्ष को अलग खींच के कर दिया, क्यों भाई? समझ रहे ना लैला मजनू कितना खुश समझे? अब ये देखिए, अब पहली बात भाई इनके बीच में देखिए फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स था ना लघु जी,
एनिक बॉन्ड है ना वहां पे, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये क्या करते हैं, खुद ही इसको इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं। देखिए निगेटिव चार्ज है ना इस पर, इसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। मतलब अब ये जो कैटायंस था उसको ये वाटर इलेक्ट्रॉन देने लगा ना अपना लोन पेयर। देखिए इसको लगता है मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे पूरा। बोले भाई इतने मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे कि फादर अब इसको इससे मिलने नहीं दिया जाएगा, अब मिलने नहीं दिया जाएगा, नहीं पूछा कि छोड़ दिया। तो इतना अलग कर देंगे, इतना घेर लेंगे कि फादर इसको मिलने नहीं दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सर्वेशन या हाइड्रेशन। अब अगर मान लीजिए आपने कहा सर जैसे ये सब पकड़े थे ना, ये तो बजरंग दल वाले थे, कौन थे? बजरंग। यही फिर येलो क्या लो, मान लो इसमें वो मिल गया, कोई गार्जियन मिल गया, ठीक है, पूजा करने जा रहे थे, मान लीजिए गलती से उन लोगों को नजर पड़ गया, ठीक है, जैसे मान लिया डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, इसको एसीटोन बोलते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, सॉरी मतलब ये भी है, बस ये पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है। ये जानते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक? पोलर प्रोटीन मतलब जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच्ड हो, या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, जो एच प्लस आयन देते हैं, जो एच प्लस आयन ना दे पाए उसको पोलर प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन पोलर दोनों है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे अब इनको अगर इनकी नजर पड़ गई, ठीक है, इनकी नजर पड़ गई, गार्जियन देखे कि हमारा बच्चा यहाँ ये क्या कर रहा है, देखो इसको हम भेजे थे स्कूल, ये कहाँ आ गई, बस समझ रहे हैं, तो स्कूल जा रहे थे ना, देख रहे इधर पेड़ के पास है छिपी है। देखिए ये क्या करें, बड़े समझदार होते हैं पेरेंट्स। कौन? पेरेंट्स। अब ऐसे फील करना, तुम मान लो यहाँ पे लैला, यहाँ पे मजनू मान लो अपने मन से, थोड़ा दूर कर दो अपने मन से, ये तो एक ही काम करेंगे अगर ये पेरेंट्स होंगे तो। अगर ये निगेटिव कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो ये आएंगे अपने बच्चे को चुपचाप किसके पास जाएंगे, कहेंगे चलो घर तुम, लोगो जी क्या करेंगे भाई, कोई भी अगर गार्जियन अपने बच्चे को देखेगा तो अपने बच्चे को ही ना लेके जाएगा, मारपीट नहीं करना है। अगर ये देखिए अगर इस तरह के हैं तो देखिए इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। वो करे कैसे, हम तो कह रहे भाई तुम कभी ये मूवी देखे हो, ये करे कौन से गदर, गदर। क्यों भैया आप देखे हैं? देखे। ये करे सर कौन गदर, ये मान लो यहाँ देखो, ये नाम नहीं लूंगा बस ये समझ लो ये सरदार जी है, ये मतलब मिसी जी है, सक्कू नहीं सुने आप, देखिए नहीं गदर देखे तो फील करना। ये तो कांग्रेस पूरी जी हैं, तो जब ये आते हैं ना मतलब पंजाब में जहां भी आते हैं मतलब इंडिया में जब, तो सबको लेके चले जाते हैं और सरदार जी को छोड़ देते हैं। नहीं भाई ये सरदार जी बड़े खुरापाती होते हैं, नहीं नहीं सरदार जी क्या होते हैं वो, नहीं जो गाना तू जा चल अरे उठ जा काले कावा याद कीजिए, तो सरदार जी के साथ एक सरदार जी और होते हैं छोटे सरदार जी, देखिए। अब ये जब देखते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये मतलब बोले थे कि मिला देंगे ये वो सब कुछ, लेकिन इसको लेके चले गए ना पूरा वहां पे अपना। बोलो भाई कभी इसको छुट्टा छोड़ दिए ना, समझना तुम समझना यहाँ पे ये क्या करेगा। एस एन टू का नाम सुने? एस एन ओ एस एन टू, अभी बहुत पगला जाएगा, ले जाके बैग से अटैक करता है, याद कीजिए पोलर एयर प्रोटीन इसीलिए लेते हैं ताकि जाकर के कैटायन को पकड़ लेगा और कौन बच जाएगा, और ये जाकर न्यूक्लियोफाइल बैग से अटैक करता है। पहले समझ के कहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा कहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम है। अब देखो सॉल्युबिलिटी समझो कि अगर हम यहाँ अल्कोहल ले लेते दोस्त, क्या ले लेते हैं? पहले मेरा समझ गए, जब SN1 पढ़ोगे तो वहां पे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे पोलर प्रोटिक और पोलर SN1 में पोलर प्रोटिक लेते हैं, क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक। और SN2 जब पढ़ते हैं पोलर ए प्रोटिक लेते हैं, क्योंकि जब ए प्रोटिक होगा तो जाके इसको पकड़ लेगा कैटायन को और एनायन को फ्री छोड़ देगा लड़ने के लिए। किसके लिए? लड़ने के लिए। देखो ये फिर लास्ट में चलाते हैं ना वो जो एरो जहाज कोयला भर के, ट्रेन चलाते हैं वही, मतलब समझिए उस समय कोई जहाज है समझ लीजिए, समय समय की बात होती है ना। वाटर को ताकि ये सर को पकड़ रहे, जब SN2 पढ़ते हैं तब ये। अब हमको देखो यहाँ टॉपिक को सेटअप क्या करना है, अगर मान लीजिए अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया? अल्कोहल। अल्कोहल का ये फार्मूला होता है ना, बताओ भाई। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर आर लगा ले, क्या लगा ले? बोलो भैया कुछ। अब हमें एक बात समझा दो, जैसे ये वाटर है, क्या है? वाटर। और ये आपका अल्कोहल है, क्या है?
इसमें ज्यादा पोलर कौन होगा? ज्यादा पोलर ये होगा कौन? तो उसी को मान देते डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या मान देते? जो जितना पोलर होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उतना ज्यादा होगा। यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो क्या हो जाएगा? ये ज्यादा तो जितना जिसका ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल करेगा सॉल्वेंट, यानी वो NaCl को उतना ज्यादा डिजॉल्व करेगा। तो आप कहोगे सर रीजन बताओ, रीजन देखो जब अल्कोहल का पकड़िएगा तो इन पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो ये जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे पूरा वो दोनों तरफ से ना यहाँ पे है कोई पॉजिटिव वाले, देखिए जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगा ना, अगर अल्कोहल ले लेंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा ना पॉजिटिव। जैसे अगर हम यहाँ आर और एच कर लें तो एक ही बस इसको अलग करेगा, जबकि वाटर ले लेंगे तो दोनों मिलकर अलग कर रहे हैं ना। तो ज्यादा कौन डिजॉल्व, कौन ज्यादा पकड़ा रहेगा देर, इसलिए ज्यादा डिजॉल्व होगा यहाँ पे। और जब अल्कोहल ले लेंगे तो कम डिजॉल्व होगा। तो ये देखिए जैसे वाटर के जब टर्म में पड़ते हैं लोग इसी को नाम क्या दे देते हैं, जब अल्कोहल के टर्म में आता है तो उसी का नाम क्या दे देते हैं, नहीं समझ रहे? इसी को सॉल्वेंट बोलते हैं, या तो उसी को सॉल्वेंट इसके सॉल्वेंट बोल दीजिए, नहीं समझ रहे? तो उसी का नाम सॉल्वेशन दे देंगे या उसी को क्या नाम दे दीजिए। अब आप देखो समझना थोड़ा सा, ये कौन सा चार्ज है, ये कौन सा है, इनके कोई अट्रैक्शन होगा कि नहीं, मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रेशन ना। तो ये जो एनर्जी रिलीज्ड होगा उसका क्या नाम दे देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। भाई ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है ना लघु जी, तो ये पानी की वजह से हो रहा है ना, बोलिए भाई। तो जितना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड होगा उसी का नाम क्या दे देंगे, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे लिथियम है, क्या है, और यहाँ ले लो सोडियम, क्या ले लो। अब लघु जी देखो किसका साइज छोटा है, इसको पूरा वाटर घेर लेगा इसके कंपैरिजन में, बोलो भाई। तो कहाँ हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, कहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नहीं समझ रहे? मतलब साइज जितना छोटा होगा वहां पे हाइड्रेशन उतना, क्योंकि जितना छोटा है उसको पानी पिला पिला के मारते हैं, क्या करते हैं पानी पिला पिला के मारते हैं। बड़े लोगों से कोई टक्कर नहीं लगता, बड़े लोग मिलेंगे तो कहेंगे अरे तो शूटिंग चल रहा है, मेरा भारत महान नहीं। देखिए बड़े बड़े लोगों की, चलिए चल जाने, ज्यादा नहीं बड़ा बता रहा हूँ, वीडियो चल रहा है ना। चलो नोट करना इतना भाई, पहले चार्ज डिपेंड करेगा, क्या हाइड्रेशन भी चार्ज डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। बट अभी बता देता हूँ किस पर डिपेंड, पहले पाँच छाप लो करिए, बड़े लोगों पे जल्दी कोई मैटर काम, अच्छा बहुत छोटा है तो वहां पे क्या करेंगे, सब मार डालते हैं, मतलब उनके कमजोर तो छोटा ही था ना भाई, नहीं सब देखिए पानी पिला पिला के मार दिए साला। वो बायोलॉजी भी हुआ, क्या बोलते एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जा रहे थे ट्यूबे निकल गए एक से भी सन्नी जी चले आगे भाई बाहर एक्सपेरिमेंट करना। तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं फेल होता है, उसमें भी यही कहा गया कि जितना मिक्स करोगे उतना ही बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, सब होता रहता, चलिए आगे। तो कुछ साफ कर देता हूँ, देखो आप इसमें वो सब छोड़ दो, सब नहीं लिखना है। देखो साइज ऑफ नॉर्मल आयंस, पहला लिखो साइज ऑफ नॉर्मल आयंस, ज्यादा मत लिखो, ये सब लिखना, ये लिखो ना, ये सब सवाल यहाँ से आएगा। लिखो आप इसमें लिखना भाई, आयंस बिफोर द हाइड्रेशन, आयंस बिफोर द हाइड्रेशन कॉल्ड एज नॉर्मल आयंस, आयंस बिफोर द हाइड्रेशन कॉल्ड एज हाइड्रेशन आयंस, सॉरी नॉर्मल आयंस, उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल आयंस, नॉर्मल बिफोर द हाइड्रेशन का मतलब अभी पानी नहीं पिलाए, अभी पानी नहीं पिलाए, पानी नहीं पिलाए, उसको नॉर्मल आयंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई नॉर्मल। दूसरा लिखिएगा इसी मतलब इसी तरह से खाली पॉइंट, ठीक है। Decided on the basis of periodic table. Decided on the basis of periodic table. Decided on the basis of periodic table. Which is already discussed.
ये चीज मतलब इतना कि लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो साइज घटेगी और टॉप टू अगर बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। इतना तो जानते हैं ना नॉर्मल लाइन के बारे में। बोलो भाई, जैसे पानी पिलाने से पहले कह रहा लिखा ना भाई, आयंस बिफोर द हाइड्रेशन कॉल्ड नॉर्मलाइज। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, लेकिन राइट में अगर जाएंगे नोबल गैस पहुंचे सबसे ज्यादा हो जाती है उस पीरियड में नोबल गैस की, क्योंकि वहां वंडर वॉल फोर्स लगता है। क्या लगता है? वंडर वॉल फोर्स। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लिखिएगा वन अपॉन साइज ऑफ नॉर्मल आयंस, साइज ऑफ नॉर्मल आयंस। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है भाई? साइज ऑफ नॉर्मल। अब बताओ अगर साइज छोटी है तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। yes. साइज बड़ी है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम। बोलो भाई, अब आयंस लिखा तो कटाना दोनों हो सकता है उसमें। क्या हो सकता है? तीसरा लिखना, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DOH। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। DOH का मतलब जल्दी जल्दी लिखो भाई, थोड़ा बस हम डिग्री बोल रहे थे, आप क्या लिख रहे हो भाई? DOH लिखो, ये वाला तुम कहाँ देख रहे हो? इसका मतलब ध्यान कहीं और है क्या? बस यही लिख दे। DOH नहीं, ध्यान नहीं लिखते हो पूरा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो चार बार लिखिएगा क्या? ये सोच रहे हैं बहुत छोटे में लिख दिए। नीचे लिखिएगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HOH, सॉरी DOH, DOH। अब तुम्हें समझो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस का क्या मतलब है? कह रहा है कि पानी पिलाने के बाद, ठीक है, कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। जैसे यहाँ मान लो लिथियम है, क्या लिथियम, और यहाँ फिलहाल मान लो क्या Na, तो ये लिथियम पॉजिटिव और ये किसकी साइज छोटी है? समझना, ये बिफोर हाइड्रेशन है। क्या है? बिफोर हाइड्रेशन। हम इसको नॉर्मल आयन बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? नॉर्मल आयन। अब यहाँ पानी पिला दी, क्या करिए? पानी पिला दी। और यहाँ भी पानी। किस, अब देखो किसका जेट इफेक्टिव ज्यादा होगा? इसकी साइज छोटा है ना, इसके बहुत से वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। क्या करेंगे? पूरा मीडिया वाले घेर लेंगे, नहीं समझे? और यहाँ उतना नहीं। तो अब देखो यहाँ बहुत से वाटर के मॉलिक्यूल आ गए ना, इसके ये मत देखो, इसको मत देखो, ये साइज बहुत छोटा है ना, या फिर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। ये बहुत से वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, इसके कंपेरिजन में यहाँ उतने वाटर मॉलिक्यूल नहीं आएंगे। ये नॉर्मल था, ये हाइड्रेटेड आयंस हो गया। क्या हो गया? हाइड्रेटेड आयंस। ये क्या हो गया दोस्त? हाइड्रेटेड आयंस। ये मत देखो, ये नहीं समझे? सवाल देगा लिथियम एक्वस सोडियम एक्वस दे देगा। क्या देगा? लिथियम। देखिए यहाँ पे कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। और ये भी कैसे डिग्री ऑफ जो हाइड्रेशन है सर, वो वन अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी। और ये भी लिख सकते वन अपॉन साइज ऑफ नॉर्मल आयंस, साइज ऑफ नॉर्मल। ये भी मिला लो एकदम। देखो अगर सर यहाँ देखो नॉर्मल की साइज बड़ी है, यहाँ हाइड्रेशन कम है, और यहाँ देखो साइज छोटी है, यहाँ पे हाइड्रेशन। नहीं समझे भाई? अधिकतर बातों को एक लाइन में लेके आ गए। अगला पॉइंट लिखो, ये लिखो जल्दी जल्दी। एक बात बताओ, रुको 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 रुको, एक टर्म है आयनिक मोबिलिटी। क्या टर्म है? आयनिक मोबिलिटी। आयनिक को छोड़, आयनिक मतलब आयन हो गया, मोबिलिटी का मतलब मोबाइल करने वाला, मोमेंट करने वाला। बोलो भैया, मोबाइल का मतलब अपने मन से बताओ कि आयनिक जब बोल देंगे मतलब ये पानी पी लिया, क्या हुआ? पानी पी लिया। किसकी साइज बहुत बड़ी हो गई? लिथियम। और किसकी साइज छोटी है? सोडियम। कौन मूव करेगा? सोडियम। सोडियम सोडियम, क्योंकि तो बहुत से मिल गया ना इसको। यस सर। कहीं समझे? समझ गया। देखने में लगेगा छोटा, लेकिन अब ये वाटर मिलने के बाद छोटा नहीं है। इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगा। इसकी मोबिलिटी बढ़ गया। नहीं समझे? अगर लिखोगे तो यहाँ पे हीट DOH की क्या हो जाएगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो भाई, जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगा फिर? वन अपॉन DOH। लघु जी कह रहे डेट ऑफ बर्थ है क्या? नहीं भाई, वो DOB होता है, डिग्री। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी लिखो। वैसे बता कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। दूध गर्म कर दो जी। अब देखो कंडक्टिविटी, हाँ उसका भी रखा है। कंडक्टिविटी देख लो भाई। यस।
अब ऐसे फिर फील करो कि अब ये देखो थोड़ा दोनों में समझो, ये बहुत से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लिए ना इसको, ये करंट मतलब ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट, क्योंकि ये फ्री नहीं ना यहाँ पे, इसकी साइज बड़ी तो मतलब उस तरह से छोटी है ना, ये थोड़ा कंडक्ट कर लेगा, ये फ्री नहीं है यहाँ पे फिलहाल, ये फ्री नहीं, ये जो कंडक्टिविटी होगा ना पॉइंट डी ओ एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। अब देखो भाई इसमें ये जो सवाल आपको मिलेंगे ना दोस्त, इसके सवाल इधर मिले कहीं ना मिले हमको सीधे पता है, ये कहाँ मिलेंगे, अगर कहीं नहीं मिले तो आपको एस ब्लॉक, अगर प्रोडक्ट वर्क नहीं मिले तो कोई बात नहीं जान मत दीजिएगा, लेकिन कहाँ मिलेंगे आपको एस ब्लॉक, क्योंकि वहीं आपको मेटल मिलेगा और वहीं ना सोडियम मिलेगा भाई, सोडियम जो भी है, तो सवाल इसके अधिकतर कहाँ मिलेंगे एस ब्लॉक। चले आगे भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आंसर, इसको भी खत्म कर लें आज, इसमें बहुत कुछ नहीं यार, बहुत थोड़ा सा एक नाम सुनो डायपोल मोमेंट, आप लोग नाम सुने हो, उसमें मैंने कुछ लिखा था परसेंटेज, क्या कुछ परसेंटेज कैलकुलेट किए थे, नहीं 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 आप झूठ बोल रहे हो, ये बताइए फजान से, हाँ तो वहाँ पे क्या कैलकुलेट किया डायपोल मोमेंट में, परसेंटेज निकलवाए थे, किसका परसेंट निकलवाए थे, आपको निकालना होगा, अब म्यू थ्योरेटिकल चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज मानना पड़ेगा 4.8 डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, क्या था वहाँ पे परसेंटेज वो भी सवाल एचसीएल मॉलिक्यूल दिया था, 1.725 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस दिया था, याद कीजिए 1.275 डिवाइड दिया था पिकोमीटर, 1.06 एक्सपेरिमेंटल दिया था, काट पर के 33.3% आया था, ए भाई कहाँ भी मत पढ़ो, ब्रेन का पन्ना पढ़ो, सोच रहे कल तुम पढ़ाए नहीं थे इसलिए हिसाब किताब, भाई मान लीजिए हम कल नहीं पढ़ाए तो मानता हूँ गलती हो गया, ठीक है नहीं तो, लेकिन अब फील कीजिए कि ब्रेन का खोपड़ा आप लोग कहाँ यूज किए, कल भी नहीं पढ़ाए, संडे को भी नहीं पढ़ाए, दो दिन मौका दिए थे रिवीजन का, इतना टाइम नहीं, उसको आनिक परसेंटेज आप आनिक करेक्टर बोलते जा रहे हैं, ठीक है ये समझ गए कि जो ब्रेन का पन्ना उसको पलटिए ना, कि हाई पन्ना पलटने से कुछ होगा, ब्रेन का पॉइंट है वही आप कीजिए, लेकिन हम भी तो दो दिन एबसेंट थे, लेकिन हमको तो याद था ना कि परसेंटेज आप ऐसे ऐसे लिखवाए थे, दो सवाल लिखवा दे, दो सवाल हमसे सॉल्व करवा दिए, फिर हमने कहा था खोजिएगा दो चार दिन, खोजवा नहीं दिया कोई बात नहीं, तो या वो आनी करेक्टर पता करते थे ना, अब क्या पता करेंगे, अब उसमें जैसे मान लीजिए जैसे आपने 33.3% आनी निकल गया, तो जो बचा वो क्या हो गया, वो वही बात कौन बताएंगे, फजान साहब बताएंगे, फजान भाई बोला करिए पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे फजान साहब, फैज भाई बोल दीजिए, फैजान भाई बोल दीजिए, साड़ी वाले नहीं लिखा था फैजान साड़ी वाले, ये कुछ भी लिखा रहेगा, उनकी दुकान बहुत मस्त चलती है, समझ गए फजान से रूल, इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है तो हम देखो यहाँ दो चीज पढ़ेंगे भाई, एक अगर कटायन है, क्या दोस्त कटायन, इसके लिए पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, क्या पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, बस एक ही चीज पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, ठीक है लोगों जी, और अगर मान लो एनायन है, क्या है इसके लिए पढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी, क्या पढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी, और अगर हमको क्या जानना है पोलराइजेशन कोवेलेंट, पीपी के किसके पीपी डायरेक्टली पोलराइजेबिलिटी, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई कोवेलेंट करके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के, अब देखो सर यहाँ पे कटायन, कटायन में एक ही बात आएगा क्या, अब बस एक लाइन कर ली, साइज क्या होना चाहिए और यहाँ क्या छोटा नहीं भाई छोटा बोल रहा देखिए, यहाँ पे जो साइज है वो साइज क्या होना चाहिए, जब भी अगर पता करना का फजान शुरू तो कटान की साइज कैसे होनी चाहिए लोगों से छोटा, और नान की साइज क्या होना चाहिए बड़ा, बड़ा क्या होना चाहिए बड़ा, जैसे अपने मन से देखो, चलो पहले लिख लो, पहले कटायन जितना छोटा होगा उसका जेट इफेक्टिव उतना बढ़ेगा, और एनायन जितना बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीली इसमें बॉन्डेड होगा, देखो अगर साइज बहुत छोटा लोगों से साइज बहुत
अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जो इलेक्ट्रॉन बचा होगा वो एकदम सिक्स पैक की तरह बैठा होगा भैया। लेकिन यहाँ तो साइज बहुत बड़ा है ना, बोलिए यार यहाँ सिक्स पैक, कोई इधर देखेंगे पेट निकला होगा, उधर देखेंगे इधर डिसबैलेंस होगा। तो अब देखिए अगर ये इसको खींचना चाहेगा सिक्स पैक को तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन सिक्स पैक चाहेगा तो इसको। आप साउथ की मूवी देखे हैं? बोलो भाई। यस सर देखे। नहीं देखे? देखे। एक हीरो है, नाम बता रहा वो, जिसमें अल्लू अर्जुन नाम सुने? हाँ अल्लू अर्जुन। उसमें कोई हीरो रहा, उसमें कोई इसकी मूवी जिसमें उसका भाई पुलिस रहता है और जितना छोटा था उतना पावरफुल होता है। इधर देखिए हीरोपंती देख लीजिए, जो हीरो है नहीं छोटा रहता है, बहुत बहुत पावरफुल होता है कि नहीं होता है। इधर गेंडा की तरह किसी काम के नहीं है, नहीं समझ पा रहे। तो याद रखिएगा कटान जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतने ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना खींचेगा ना इसको अपने तरफ। yes. ये जितने बड़े होंगे उतना खींचा जाएंगे। yes. अगर ये छोटा होगा तो नहीं जल्दी खींचाएगा, लेकिन बड़ा होगा तो जल्दी खींचाएगा ना। एकदम नहीं जाऊंगे बड़ा। तो यहाँ देखो सवाल जो हम लगाएंगे क्या लिखेंगे, कोवेलेंट करेक्टर क्या लिखेंगे भाई? कोवेलेंट करेक्टर ठीक है। अब जो पोलराइजिंग पावर है ना, ये क्या है? ये पोलराइजिंग पावर। तो या तो आप डबल पी लिख दो, क्या लिख दो? डबल। या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, किससे? फाई से। ये पोलराइजेबिलिटी है ना लोगों जी, क्या है इसको पी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? मतलब याद रखने के लिए खाली बता रहे, पी जेड से ठीक है। तो पहले देखिएगा जो पोलराइजिंग पावर होगा वन अपॉन रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ ए लड़के इधर देखो भाई क्या नाम आपका? अगर मान लो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, पहले पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर। अब यहाँ क्या लिखा, पोलराइजिंग पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस ऑफ कटायन। साइज छोटा होगा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा साइज कटायन की कैसे होनी चाहिए? छोटी। नहीं सर। अरे पोलराइजिंग पावर किसके लिए है? कटायन के लिए ना भाई, कटायन के लिए वन बाई क्या होना चाहिए? छोटा। जबकि यहाँ जब आओगे यहाँ तो रेडियस नाइन क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेडियस ऑफ नाइन नहीं। दूसरा चार्ज, पहला एक रेडियस रेडियस हो गया ना, दूसरा क्या देखेंगे? चार्ज। अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी छोटी होना, सिंपल सी बात है। पड़ेगा ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, सिलिकॉन फोर पॉजिटिव। नहीं समझ रहे सन्नी जी? चार्ज उतना छोटा। बोलो भाई, बोलो यार। तीसरा आपका होता है कोवेलेंट, कटायन विच है, कटायन विच है, लिख दे रहा हूं, एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस। आप कभी इसमें सुना होगे स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो जैसे देखो आप वो कॉपर है ना, कॉपर 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 पॉजिटिव फोर एस वन थ्री डी टेन होता है ना, तो जब पॉजिटिव होता है थ्री डी टेन हो गया तो डी में दस आ गया ना, तो अभी देखिए उसमें अपडेट कंप्लीट हो गया, अठारह उसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन, कितना था? अठारह। तो हम लोग ये कहते हैं कि सर अगर जैसे कोई अगर किसी का कटायन का अगर नोबल गैस के बराबर क्या है, ज्यादा बनाएगा ठीक है, वो कोलेट करेक्टर ज्यादा बनाएगा। एक होता है चलो ठीक, कितना समझो नहीं समझो छोड़ा था, इसमें लिखो पोलराइजेबिलिटी में किसके किसके लेकिन रेडियस ऑफ एनायन। बोलो भाई, और ये चार्ज के राइटली प्रोपोर्शनल क्या होगा? अब तुम कहोगे सर चार्ज कैसे, मान लो यहाँ देखो नाइट्रोजन माइनस नाइट्रोजन फिर डबल माइनस नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस, तो साइज सबसे बड़ा कहाँ होगा एनायन का? जितना बड़ा होगा तो लूजली बॉन्डेड होगा ना, नहीं क्या होगा? लूजली बॉन्डेड। और अगर मान लो यहाँ लिखना चाहे सोडियम पॉजिटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव इस तरह से, तो जितना चार्ज बढ़ेगा तो उसकी साइज भी छोटी होगी, छोटी होगी तो उसका पावर और बढ़ेगा। बोले भाई बस इतना लिख लो, लिख लेना एप्लीकेशन ऑफ फजान सुरू, समझ पा रहे हैं? समझने लगो थोड़ा बहुत, थोड़ा जल्दी लिखो भाई एप्लीकेशन ऑफ फजान सुरू। एप्लीकेशन पढ़ लेंगे मैक्सिमम, अब देखो सवाल मिलेंगे ब्लॉक में जाके, कहाँ मिलेंगे ब्लॉक में? मान लो क्रेडिट मिले मिले ना अलग बात है, अधिकतर सवाल इसके कहाँ मिलेंगे?
ब्लॉक में, क्योंकि वहीं पर मेटल हाइड्राइड मेटल क्लोराइड सब में बनता है भाई। जैसे सुनिए, जैसे मेटल हैलाइड या जो कुछ भी है तो वही ना आपको मिलेगा एस ब्लॉक में। नहीं समझा, जैसे अन्य सी एल एच अन्य कुछ भी बना रहे तो एस ब्लॉक कहीं ना है भाई। ये देखो चोट ना लगे इस तरह। नहीं नहीं लगी। लिखो इसमें पहला लिखो भाई एप्लीकेशन में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट। सी सी लिख देंगे समझ आएंगे आप। कोवेलेंट, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगा। बोलो भाई, जैसे समझो, जैसे मान लो हमने लिखा था ना NaCl, हां इधर आ जाओ, लास्ट में इधर क्या मिलेगा? सोडियम के बाद पोटेशियम, नहीं सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर मिलेगा ना। मान लो यहां लिख दिया Cl2, क्या लिख दिया? NaCl। मान लो अपने मन से, ठीक है कुछ भी लिख दो, बस समझो। यहां देखो कटायन की साइड दरार क्या हो रही है? घट रही है, घट रही है। सॉरी कटायन की साइड कोवेलेंट कैरेक्टर ना, इधर ना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, घट जाएगी ना। घटेगी, बस इतना फील करो। अगर यहाँ पे वाटर लेने क्या ले ले, वाटर यहाँ पे क्या ले ले, वाटर। ये देखो वाटर में ज्यादा डिजॉल्व होगा, कितना डिजॉल्व नहीं होगा देख लो भाई, क्योंकि इधर कोवेलेंट कैरेक्टर कम आने कैरेक्टर ज्यादा है ना। देखो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ना भाई, बोलिए भाई, देखिए यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ना सन्नी जी। ये कोवेलेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, घटेगी। जबकि उधर कोवेलेंट कैरेक्टर कम आने ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगला लिखना आपके सर, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब बताओ ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा फिर कोवेलेंट कैरेक्टर के? अरे वाटर आपका देखो पोलर है ना। यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डायरेक्टली बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना? क्योंकि अगर अभी मैंने लिखा था ना वो बेंजीन वाला और CCl4 वाला। बोलो भाई तीसरा लिखना, ये समझते हैं आप मध्य प्रदेश और बिहार है। यस सर। 1/cc मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर कोवेलेंट बनेगा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। यस सर। मतलब कोवेलेंट इसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। बोलो भाई देखो आयनिक बॉन्ड आप पढ़े होंगे, जो आयनिक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नहीं समझे भाई? लघु जी सुने ना। नेक्स्ट लिखे थर्मल स्टेबिलिटी, क्या चीज थर्मल स्टेबिलिटी? ये भी सवाल पूछता है थर्मल स्टेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट। थर्मल का मतलब टूट जाना, थर्मल का मतलब टूट जाना, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। नीचे लेना रिएक्टिविटी, क्या लिखना? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी 1/ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि याद रखना हमने इतना सुना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनकी संख्या बहुत जाती है इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी बहुत बड़ा ब्रांच होता है लोगों से, लगभग बायोलॉजी में हर क्षेत्र में देखिए ऑर्गेनिक का यूज है। ये मान लीजिए अगर लगभग मान लीजिए कि अगर 2,000,000 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड मिलेंगे कंपाउंड, तो 20,000 आपको इनऑर्गेनिक मिलेंगे। अगर 2,000,000 आपको क्या मिलते हैं? लोग 20,000 क्या मिलेंगे? आप खुद ही देखो इनऑर्गेनिक क्या पढ़ते हैं, ब्लॉक पढ़ते हैं ना, तो पूरा चैप्टर देख लीजिए इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का देख लीजिए। जिस चैप्टर में घुसेंगे जब उसमें और घुसेंगे तो उसमें और मिलता जाएगा। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में घुस जाएगा, देखिए कितना मिलेगा आपको बायोमॉलिक्यूल्स। आप अरे भाई देखें कार्बन, कितना कार्बन का डिस्कवरी हुआ है। नहीं समझे आप? समझ गए। तो लिख लेना रिएक्टिविटी 1/ कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि इसीलिए देखिए ऑर्गेनिक उसमें कैटेनेशन पावर होता है ना कोवेलेंट कार्बन में, बहुत से कंपाउंड बनाते हैं तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। नहीं लिख लेना एक और कोवेलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड कंट्रैक्शन। कोवेलेंट नेचर डायरेक्टली लेंथ एंड कंट्रैक्शन आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, फिर अच्छे से मिलेगा जब ब्लॉक पढ़ेंगे तब। लेंथ एंड वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ एंड कंट्रैक्शन के। और एक बार लिख लेना एसिडिक नेचर डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है भाई नोट कर लेते ना। ये फार्मल चार्ज आपको पढ़ाए थे कभी? हाँ पढ़ाए। बताया फार्मल चार्ज बढ़ाए थे? ये मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ जिसको भूलना मत, जिंदगी में याद रखना। क्या करना? याद ये लिखा फार्मल चार्ज ना, अब देखो अगर मान लो वैलेंस, ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस क्या लिखा है?
या इसको लिख लो वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है ठीक। कोई भी जो भी सेंट्रल हीट है उसका फार्मल चार्ज किसके बराबर हो भाई? तो उसका फार्मल चार्ज जीरो। और अगर मान लो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस या में क्या है प्लस, तो उसका फार्मल चार्ज प्लस। और अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस या में तो उसका फार्मल चार्ज। मैं भी समझ नहीं पा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है, मैं समझ नहीं समझा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर देखे ऐसा कभी? हाँ ठीक। मुझको देखो बता रहा हूँ, मुझको स्ट्रक्चर नहीं पता, समझा रहा हूँ देखो, तो मैं समझा दूँ तो अच्छी बात है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एक एग्जांपल, दूसरा लोगों से आपने कभी सुना होगा ऐसे भी क्या? ये मुझको नहीं पता, जो नाम तो सुनोगे ना। बोलो भाई एक मिनट देता हूँ। सी ठीक, तीन एग्जाम्पल लिखा है ठीक। अभी आप दिमाग मत लगाना अपना ठीक है अमरनाथ जी, अभी अपना दिमाग हमें समझो थोड़ा, हम क्या कहना चाहते। अगर किसी का फार्मल चार्ज निकला, क्या निकलना? फार्मल चार्ज। और उसमें जो सेंट्रल एटम है क्या है? सेंट्रल सेंट्रल एटम। अगर उस सेंट्रल एटम के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर जितने थे उतने पूरे क्या हो? पूरे। जितना वैलेंस होता उतना पूरे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो उसका फार्मल चार्ज जीरो। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कार्बन का चार। इस कार्बन देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? चार है इसके पास, है ना चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका फार्मल चार्ज जीरो। इस कार्बन का निकालो माइनस वन हो जाएगा, मतलब पहले कितना बॉन्ड बना रहा है? यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है कितने? चाहिए तो कितने? चार। चाहिए तो कितने? चार। लेकिन है कितना? तीन। पहले ये समझो, तीन एमएल चाहिए था कितना? चार। यानी इसमें से जो चाहिए था चार, है कितना? तो इलेक्ट्रॉन चला गया कि है आ गया? इसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं, कार्बन का फिलहाल अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? तीन। तीन। अच्छा ये था कितना? चार। तो कम है कि ज्यादा? कम। कम कैसे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन चल गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन चल गया क्या होगा ना? इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा? तो मान लो प्लस का इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस का मतलब तो चला गया तो कितना होगा? प्लस प्लस। जितना जाएगा उतना प्लस प्लस। अब यहाँ का मतलब हम समझ आ रहे, प्लस का मतलब चला गया। रुक जाओ तो मत देखो, दो तीन जगह सेटअप करेंगे, जब आ जाएगा तब विश्वास मानेंगे। अब यहाँ अगर प्लस में चला गया तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। अगर जितना आएगा उतना माइनस माइनस वन, जितना आएगा उतना माइनस, जितना चला जाएगा उतना प्लस, और कोई नहीं गया तो जीरो। ये बात समझ रहे हैं आप? करें फिर से बताइए, हम नहीं बताएंगे। वन बाई टू माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वन बाई, नहीं सुने हैं जो एनसीईआरटी फार्मूला दिया वो हमको नहीं आता है, हमको ये आता है। हमने ये सुना है कि कुछ ऐसे होगा कि नहीं, अगर जानते हो नहीं जानते कोई बात नहीं। अब ये करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जानते, बोलो भाई इतना जानते हो ना? ये लोग कह रहे हैं सर यहाँ कुछ बना दे, लो यहाँ बना दे। अब देखो थोड़ा समझना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया कि आ गया? चला गया। कितना चला गया? एक। यानी यहाँ फार्मल चार्ज क्या आएगा? प्लस वन। वैसे इधर चेक करो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? छह। इसके पास है कितना? छह। देखो कैसे गिनो, इधर देखो दो दो चार, और एक इधर पांच, और ये छह। छह है ना इसके पास, तो इसका फार्मल चार्ज जीरो। नाइट्रोजन का काउंट करो, नाइट्रोजन का पहले कितने है इलेक्ट्रॉन इसके पास? इलेक्ट्रॉन है कितना? चार। तो है कि नहीं? लेकिन नाइट्रोजन का होता कितना? पांच होता है। पांच होता है, पांच होता है ना? यानी एक चला गया कि नहीं? देखो पांच होता है, लेकिन है कितना? चार। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चला गया होगा। बोलो भाई लोगों जी, चला गया तो क्या आ जाएगा? प्लस वन। प्लस वन। अब समझो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? छह। होता कितना है? छह। यानी इसके पास नहीं आया? शून्य। इसके पास, इसमें काउंट करो, इसमें देखो ये वाला देखो सात, सात हो गया ना, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आया है? माइनस। इसलिए इस पर माइनस वन। लगो जी थोड़ा कैसे बनाए थे जी ऑक्सीजन में सात, देख लो जैसे इसे स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसी को बनाया मिला क्वेश्चन है, इसी को आप पढ़ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद कर ये नजर ना लोन पर इसको ऐसे देता, याद करो। अच्छा वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एक तो वो तरीका है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा दिखाते हैं प्लस या माइनस, तरीका ना था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, बट अगर आपको इस तरह से दे दिया हो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। बोले भाई
बना ये दिया हुआ है ना, ये होता नहीं असली में ना, दिया रहेगा आपको स्ट्रक्चर, दिया रहेगा आपको इलेक्ट्रॉन सब दिया रहेगा सब कुछ, या भी जो बोल रहा है देख लेते सवाल खोजना फिर और अच्छा लगेगा। अब जैसे यहाँ चेक करो भैया ऑक्सीजन का वाला सिलेक्शन बताओ, इसमें कोई आया कोई गया नहीं, इसमें चेक करो इसमें कितने हैं, पांच, एक इसमें क्या हो गया कमी, चला गया ना लग रहा है, तभी तो कम हो गया, नहीं चला गया कि नहीं चला गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं समझे भाई, इसको गिनो सेंटर वाले को, इसमें सोच रहे बढ़ गया ना भाई, छह से सात हो गया कि नहीं, जब आ गया अब आ गया इसमें आ गया कि नहीं क्या लिखेंगे, एक कुछ समझे भाई थोड़ा बहुत लघु जी। Yes, अभी तो सवाल अगर खोजोगे इसमें तब टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से,